अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीजम इस्लाम और आज मैं आपके सामने मुकाशफतुल कुलूब की किताब लेकर आई हूँ। इस किताब में मैं पेज नंबर 162 में आपको ये पढ़कर सुनाऊंगी। औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तीन नौजवान और नेक आमाल। सहीहैन और दूसरी कुतुबे अहादीश में मरवी है कि अगले वक्तों में तीन आदमी रोजगार की तलाश के लिए सफर में निकले। रास्ते में उन्हें बारिश ने आ लिया और वह भागकर एक गार में छुप गए। अचानक एक चट्टान लुढ़ककर गार के मुंह पर आकर रुक गई और गार का मुंह बंद हो गया। उन्होंने आपस में यह तय किया कि हर एक अपने अच्छे अमाल को याद करके दुआ मांगे ताकि यह चट्टान हट जाए। एक रिवायत के लफ्ज यह हैं, उन्होंने एक दूसरे से कहा, जरा सोचो और कोई ऐसा अमल याद करो जो तुमने अल्लाह की रजा जुई में किया हो और उस अमल को वास्ता बनाकर इस चट्टान से नजात की दुआ मांगो। एक और रिवायत के अल्फाज यह हैं, चट्टान गिरने की वजह से गार का निशान मिट गया। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता हम कहाँ हैं। अल्लाह ताला से अपने बेहतरीन अमल को सामने रखते हुए दुआ करें। तब उनमें से एक ने कहा, इलाहिल आलमीन, मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मैं उनसे पहले शाम को किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया करता था। एक मरतबा ऐसा इत्तफाक हुआ, मैं किसी काम से चला गया। जब मैं वापस आया तो वह सो चुके थे। मैंने दूध दुहा और सारी रात दूध लेकर सिरहाने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और मेरे बच्चे सारी रात भूखे सोते रहे। ऐ रब्बू जुलजलाल, मैंने यह सब कुछ तेरी रजा जुई के लिए किया था, अब तो यह चट्टान हमसे हटा दे। इस दुआ के बाद चट्टान इतनी हट गई कि सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। एक रिवायत के अल्फाज यह है, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं जब बकरिया चरा कर वापस आता तो दूध दुहकर पहले वालिदैन को पिलाता फिर बच्चों को देता। एक मरतबा मुझे जरूरी काम के लिए जाना हुआ, वापसी उस वक्त हुई जब मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने हसबे मामूल दूध निकाला और लेकर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया और बच्चे मेरे कदमों में पड़े दूध तलब करते रहे, मगर मैंने वालिदैन को दूध पिलाए बगैर उन्हें दूध देना मुनासिब न समझा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर मेरा यह अमल तेरी रजा जोई में था तो इस चट्टान को हटा दे कि हम आसमान को देख सके। चट्टानी इतनी हट गई कि उन्हें आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने चचा जात बहन से जीना से बाज रहने का जिक्र किया और तीसरे ने मजदूर की उजरत की अमानतदारी का जिक्र किया, यहाँ तक कि चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और वह बाहर निकल गए।